तो दोस्तों अभी मैंने इवनिंग का आपको वेदर दिखाया था कि वेदर बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं और बाबू अभी जा रहे हैं बाहर घूमने, जा कहाँ रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से जाना चाहती थी। टाइम नहीं लग पाता था, लेकिन बाबू आज बोले कि चलो फटाफट से रेडी हो जाओ तो चल के आते, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। तो हम दोनों जा रहे हैं और जहाँ जाएंगे आपको तो ऑब्वियसली दिखाएंगे यार, यू और आवर फैमिली। तो अभी हम चलते हैं और जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों आ गए हम लोग। मैं यही दिखाना चाह रही थी, ये सारा जितना भी आपको आगे आगे जगह वहाँ तक दिखाई दे रही है वो सारा हमारा खेत है उधर तक, और फिर एक वो पेड़ जो है उसके आगे है। तो ये रहे बाबू और यहाँ इनकी खड़ी है बाइक। तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, एक्सपीरियंस लेना चाहिए ना आपको। वो जा रहा सचिन वो भी शायद कहीं जा रहा होगा काम से। और मौसम तो यार आज एकदम औसम हो गया है, मस्त वेदर हो गया। आराम से निकालना, एक्चुअली पानी दे दिया गया है खेत में तो सब गीला गीला हो गया है। तो आगे हम जा रहे हैं देखने कि आगे क्या है कैसे है, तो आगे तक हम जाते हैं और फटाफट मैं बैठती हूँ और वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोस्तों मौसम बहुत अच्छा हुआ है और आपको ये पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ मुझे इतना पसंद आया ना। अब बरगद का पेड़ है, वहाँ पे एक हैंडपम्प लगा हुआ है, आते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे किसी दिन ना हम लोग पिकनिक का प्लान करेंगे, अभी पता नहीं पॉसिबल है या नहीं, बट हम जरूर ट्राई करेंगे। अब आना पॉसिबल है तो पिकनिक क्यों नहीं कर सकते, करेंगे। तो अभी उबड़ खाबड़ रास्ते के होते हुए तो हम आगे तक जा रहे हैं। अब पता नहीं लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है, बहुत लोगों को शौक़ होता है अपने खेत वगैरह देखने का, किसी को नहीं होता है, बट मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद है। हाथ दो मुझे, गिर नहीं जाऊँगा। तो मुझे तो पर्सनली दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत अच्छा लगता है लिटरली, मतलब सुकून में आने का भी अपना अलग मज़ा है। हम लोग हिली एरियाज़ की तरफ जाते हैं, पहले मैं बात करती हूँ आप लोगों से, हम लोग हिली एरियाज़ की तरफ जाते हैं या फिर समुद्र किनारे जाते हैं, लेकिन अपने खेत खलिहान को देखने का भी एक बहुत ही आनंददायी जिसे बोलते हैं वो चीज़ होती है। तो नेहा सिसोदिया को ये बहुत पसंद आता है। तो फाइनली हम अपने खेत में हैं मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। और ये है प्याज की खेती और ये है मक्के की खेती। और ये चीज़ देखिए दोस्तों, ये टूट गई है बट मुझे बड़ी पसंद आई सच्ची में। मैं फ़ोटोज़ भी क्लिक करूँगी जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी। जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया वो कर लेना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, खूब मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि मौसम कहते हैं ना जब आप किसी चीज़ को इधर लाओ कैमरा, कहते हैं ना जब आप किसी चीज़ को दिल से उस चीज़ को इंजॉय करना चाहते हो तो भगवान भी साथ देते हैं। तो भगवान वैसे ही मेरे साथ बहुत देते हैं, हमेशा देते हैं। तो मौसम बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी मैं कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाती हूँ, बाकी मैं ब्लॉगिंग कर ही रही हूँ। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है। तुमको कैसा लग रहा है मुझे लाके? बहुत अच्छा। कैमरे में नहीं आओगे तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा एंजॉय करते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों खूब सारा एंजॉयमेंट यहाँ किया है, वो वीडियो कॉल पे है, मम्मा पापा को मेरे को दिखा रहे हैं। और वेदर बहुत अच्छा हुआ है, जाने का बिल्कुल मन नहीं है। खूब एंजॉय किया, खूब मज़ा आया। अगर हम कुछ लेके आते हैं ना खाने पीने का तो लिटरली हम यहाँ बैठ के खाते, बट हम कुछ लेकर नहीं आए खाने पीने का। और आप सब लोग भी हाय बोल दो, हाय बोलो, हाय तो अगर कुछ खाने पीने का लेकर आते ना तो हम सीरियसली खाते। मेरी स्लीपर्स पहनती हूँ। फिर यहाँ से हम लोगों को निकलना है अब, क्योंकि अगर नहीं निकलेंगे तो रात हो जाएगी और बारिश आ गई तो खेत में पानी हो जाएगा, और अगर पानी यहाँ आ गया तो हम लोग यहीं फंस जाएंगे। फिर हम लोगों को यहीं छप्पर डाल के रहना पड़ेगा और खाने पीने का हमारे पास कुछ नहीं है। कच्ची प्याज हमको खानी पड़ेगी जो कि अभी पक्की भी नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों ये मम्मी पापा को दिखा रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो खूब मज़ा आया। अब तो पता नहीं, अब तो शायद अभी नहीं आएंगे, अब जब भी आएंगे 3-4-5 महीने बाद कब मौका लगता है, लेकिन जब भी आएंगे हम ज़रूर आप लोगों को अपने खेत की सैर कराएंगे। लिटरली बहुत मज़ा आता है यार, मतलब ऐसा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, खेत और खलियान और विलेज, इसका अपना अलग ही मज़ा। ये कौन सी फसल है जान? प्याज है। ये हरी प्याज है, प्याज है, ये हरी प्याज है। अच्छा तो ये हरी प्याज तो खाई जाती है, आल है ये तो। हाँ इसकी सब्जी बनती है, तो इसकी सब्जी बनती है। तुमको लेना है तो ले सकते हो। हाँ तो ले लो, खाना सब्जी बना लेंगे थोड़ी सी, ले लो तो निकालो ना। मेरे से नहीं निकलेगी, तुम निकालो ऐसे। ये देखो तो दोस्तों ये रही हरी प्याज ऐसे, ऐसे। बस बस बहुत है, कल इसकी सब्जी बनाएंगे हम। खुद के खेत में से, किसी के खेत में से क्यों निकालेंगे, अपने खेत में से निकाल रहे हैं। 4-5 निकाल लिए और अब हम इसकी कल सब्जी बनाएंगे आलू के साथ। लेकिन तुमको खानी पड़ेगी, अगर तुमने इसकी सब्जी नहीं खाई ना तो देख लेना, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो हमने अपने खेत से ले लिए आल, और बाकी चीज़ तो अभी उतना अच्छे से नहीं पकी है, तो हरी प्याज ले लिए। और दोस्तों अभी यहाँ से निकलते हैं, घर पहुँच के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और बताना दोस्तों आप लोगों को ये वाला मतलब खेत वाला व्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो हम अपने खेत से भागते भागते प्याज लेके आए। एक्चुअली आपको दिख रहा होगा, देखो बारिश स्टार्ट हो गई थी और ये तो इतना घबरा गए कि यार बारिश स्टार्ट हो गई है। लेकिन बारिश का भी क्योंकि दोस्तों अगर गीली मिट्टी हो जाती, तो हम बाइक से आए थे तो बाइक हमको यहीं पे छोड़ना पड़ता यहीं छोड़नी पड़ती, और क्या पता कोई रात को उठा भी ले जाता दोस्तों लेकिन भगवान ने बस वो थोड़ा सा कहते ना शावर आशीर्वाद दिया उन्होंने अपना, ये समझ नहीं रहे कि वो बूंदों का मतलब क्या था। प्रभु ने आशीर्वाद दिया कि बच्चे खुश रहो हमेशा। तो दोस्तों अभी हम घर को निकल रहे हैं, वहाँ पे है रोड, तो वहीं उस रोड से होते हुए हम घर जा रहे हैं। और मैं घर जाके आपसे मिलूंगी। और इस आल वाली प्याज की अब यहाँ पता नहीं बनाते हैं सब्जी, पता नहीं, लेकिन मैं बनाऊंगी कल इसकी सब्जी। बाकी घर जाके ब्लॉग करते हैं, चलिए। तो हम आ गए हैं घर, और बारिश हो गई है क्योंकि बारिश बीच में रुक गई थी, लेकिन बारिश अब देख रहे हो बाहर कितना गिर रहा है, तो बारिश हो गई थी। तो मेरा तो सब्जी बनाने का इरादा था, लेकिन बाबू बोल रहे हैं कि बनाओ पकौड़ियाँ। तो हरी प्याज की पकौड़ी, अपने खेत की हरी प्याज एकदम फ्रेश है दोस्तों, इसकी पकौड़ियाँ मैं अपने पतिदेव के लिए बना रही हूँ। तो बन जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने प्याज कट कर ली है और फटाफट से इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। दोस्तों ये बन रही है मेरी पकौड़ियाँ, देखिए जल्दी जल्दी कितनी अच्छी अच्छी बन रही, पहली बार बना रही हूँ मैं। और ये बन रही है बाबू के लिए चाय। चटनी अभी देखती हूँ मैं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लाइट नहीं है तो चटनी नहीं बना रहे, खाएंगे सॉस से, ग्रीन सॉस, लाल वाला सॉस और चाय तो मिलते हैं थोड़ी देर में, प्लेट लगाते हैं। दोस्तों बन गए हमारे करारे पकौड़े। बाकी मैं उतार रही हूँ, बाबू के लिए लेके आई हूँ। चाय में कुछ छाल रही है, मैंने बना दी है, बाकी सॉस के साथ बाबू खाएंगे और प्रभु के गुण गाएंगे। खाओ, चलो बताओ कैसा बना बाबू। गरम है आराम से। अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ कमी, करारे नहीं हुए यार। मैं सूजी भी डाली, चावल काटा था नहीं तो मैं चावल काटा डालती। वो डाला ना? क्या कुछ नहीं डाला मैंने? नहीं डाला है। करारे नहीं हुए बस। अब क्या करो, मजे आ रहे हैं खाने में। तो ठीक है, खाओ फिर। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा।